गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आफ्टरनून हो चुका था, प्रियांश स्कूल से आके रेडी हो चुका था, फ्रेश हो गया था, लंच भी हम लोग ने कर लिया था, बस सोने का टाइम ही होने जा रहा था। लेकिन हमने हमारे घर में एक हादसा हो गया था कुछ महीनों पहले, हमारे जो रूम का जो टाइल्स है वो अचानक से फ्लो होके टूट गया था। तो ये समझ में नहीं आया, हमने तो अचानक से सोचा था कि ये अर्थक्वेक है जो क्रैक हो रहा है, तो हम लोग बहुत डर गए थे। लेकिन ये अर्थक्वेक जब भी टाइल्स का बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो उसके बाद ये क्रैकिंग आ जाता है, तो ये हम लोग ने पहली बार देखा था। तो उसी को चेक करने के लिए हमने जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, टाइल्स के एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुलाया था ताकि वो बता सके ऐसा क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये क्रैक होता है जब टाइल्स का बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, तो क्रैक होता है, आपको ये पूरे रूम का टाइल्स चेंज करवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ओनर से बात किया, क्योंकि ये हमारा अपना घर नहीं है, तो ओनर से बात किया, तो ओनर ने हमें अपना कॉल लेने के लिए बोला कि आप जो भी चाहे कर सकते हैं। तो हम लोग चले गए टाइल्स सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक रूम का टाइल्स चेंज करवाना था, तो हमें कुछ ऐसा टाइल्स पसंद करना था जो बाकी रूम के टाइल से बिल्कुल मैचिंग हो, और सेम टाइल हमें मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर शाम हो गई थी और शाम में प्रियांश को जाना था बर्थडे पार्टी में, तो आज थी प्रियांश के स्कूल मेट की क्लासमेट की बर्थडे। तो प्रियांश बिल्कुल एक्साइटेड हो गया था, वो एकदम सोया भी नहीं आज दिन में, क्योंकि प्रियांश का कुछ ऐसा है कि उसे कहीं जाना रहता है तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसे नींद भी नहीं आती है। तो वो पूरा एक्साइटेड हो गया था कि जाना था समय से पहले, उन्होंने 7 बजे बुलाया था, लेकिन ये 6 बजे से मेरे सर में दर्द कर दिया था कि मुझे जाना है। तो मैंने प्रियांश को रेडी किया, और ये थी बच्चों की पार्टी, तो वो घर थोड़ा दूर था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दूँ। तो दो चीज़ था समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भी जाऊँ नहीं जाऊँ, तो ये दो थॉट में थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे भी जाना है कि नहीं जाना है। और पता नहीं क्यों मेरा वीडियो का क्वालिटी बहुत ब्लर आता है, तो इसीलिए मैंने न्यू फ़ोन ऑर्डर कर दिया है। मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं नए फ़ोन के साथ ब्लॉग शूट करूँगी और उसका क्वालिटी कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं पहुँच गई प्रियांश के दोस्त के बर्थडे पार्टी में, तो बर्थडे पार्टी बिल्कुल बहुत, मतलब छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी बहुत ही बोरिंग हो जाती है हम लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ एंजॉय करना पड़ता है, अच्छा लगता है देख के छोटे छोटे बच्चों की खुशियाँ। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, प्रियांश तो बहुत फुल ऑन एंजॉयमेंट मूड में चला गया था, उसको तो बस किसी तरह से पार्टी करनी होती है दोस्तों के साथ, और सारे इसके क्लासमेट हैं। तो प्रियांश अपना मगन हो गया था, तो मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया गया, उसकी मम्मी ने, जिसके बच्चे का बर्थडे था उसकी मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया। तो मैं भी सोची कि अब केक कटिंग हो रहा है तो मैं केक कट करवा के ही प्रियांश को लेके चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसे छोड़ के फिर जाना फिर आना फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, मुझे भी जल्दी जाना था क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे, तो जो भी है उनको दिन भर भूखे रहते हैं लंच एक टाइम करके, तो उनको भी भूख लग जाती है, तो मुझे भी था कि मुझे जल्दी जाके डिनर भी बनाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बर्थडे भी हो गया। अब हम लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँचते थे, जैसे ही हम लोग पहुँचे थे वैसे ही केक कटने ही वाला था, तो ग्रैंड फादर्स के और ग्रैंड मदर के बीच में बच्चे ने केक काटा और केक को कट किया। इनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, लेकिन जो भी है अलग अपार्टमेंट है, तो प्रियांश को छोड़ना यहाँ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और प्रियांश तो पूरा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक्साइटेड था, उसे लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, लेकिन उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला, उसे फ्रूटी मिल गया, तो इसके लिए भी वो ओके था। तो प्रियांश और सब बच्चों को नाश्ता मिला, तो सब बच्चे ने वहीं पर खाना खाना था, तो मुझे तो लग रहा था प्रियांश लेके चला जाता तो घर चले जाते, मैं थोड़ा बैठ के बोर हो रही थी, सारे बच्चे तो इन्जॉय कर रहे थे, सब साथ में खा रहे थे बातें कर रहे थे, तो के लिए मस्ती थी, लेकिन मैं बोर हो रही थी कॉर्नर में खड़े होके कि कोई साथ में बात करने वाला नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन जो भी है मुझे थोड़ी देर टाइम पास करना था। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं।